सो गाइस, यहाँ पे अगर आपका बजट 55,000 रुपये है एंड आपको बेस्ट लैपटॉप चाहिए तो यहाँ पे ऐसी लिस्ट तैयार की है आपके लिए जहाँ पे आप काफ़ी आराम से खेल सकते हो गेम। हाँ, गेमिंग लैपटॉप भी इंक्लूड किया है इस लिस्ट में। यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से कोडिंग कर सकते हो। प्रोफेशनल वर्क के लिए लैपटॉप चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। 13th generation का प्रोसेसर मिलेगा, 16 GB की रैम भी है और RTX का ग्राफिक्स कार्ड भी मिलेगा क्योंकि गेमिंग लैपटॉप इंक्लूड किया है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो वहाँ से चेक कर लेना। तो आइए गाइस, बात करते हैं इन लैपटॉप्स के बारे में। तो गाइस शुरुआत करते हैं और यहाँ पे जो पहला लैपटॉप आ रहा है लिस्ट में ये है सैमसंग का गैलेक्सी बुक 2। सो गाइस, ये जो लैपटॉप है ना, यहाँ पे आपको इंटेल का 12th generation का i5 का प्रोसेसर मिल जाता है, 15.6 इंच का डिस्प्ले। और यहाँ पे इस लैपटॉप के साथ सैमसंग ने कमबैक किया था लैपटॉप्स के मार्केट में, तो ये लैपटॉप वाकई में काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कमबैक किया हो तो नई नई चीज़ें लाई हो तो ख़राब काम कर रहा हो। काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, मॉडर्न टाइप का दिखता है। यहाँ पर आपको यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आएगा। 8 GB की रैम मिल जाती है और 512 GB की SSD है। बैकलिट कीबोर्ड भी है, फिंगरप्रिंट रीडर भी है इसमें। प्राइस अंडर 55,000 है एंड इसका बिल्ड क्वालिटी, लुक्स वगैरह बहुत अच्छा देखने में लगता है एंड आपको इसमें बैटरी बैकअप वगैरह काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। स्लिम बेजल्स देखने को मिलते हैं एंड लैपटॉप काफ़ी पतला है और काफ़ी लाइट वेट है और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको इस लैपटॉप को यूज़ करते हुए। अगर आप प्रोफेशनल यूज़ के लिए या फिर स्टूडेंट हो लैपटॉप ले रहे हो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते गाइस बात करते हैं अब यहाँ पे डेल फैंस के लिए डेल 15 वाला लैपटॉप आता है जहाँ पे आपको i5 का 13th generation का लेटेस्ट U सीरीज़ का प्रोसेसर मिलता है। U सीरीज़ का प्रोसेसर है तो बैटरी बैकअप आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD है। इसमें भी 15.6 इंच का डिस्प्ले नैरो बेजल्स के साथ में आता है, लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ मेरे को फुल HD AG 120Hz का डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो हायर रिफ्रेश रेट का मतलब आपको काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स टाइम देखने को मिलेगा। तो मल्टीमीडिया कंजप्शन थोड़ा मोड़ा जो भी आप कैजुअल गेमिंग करोगे वो काफ़ी बेटर हो जाएगा इस लैपटॉप में। बाकी लिंक मैं आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा ताकि आप इस लैपटॉप को ख़रीद पाओ वहाँ से एंड काफ़ी बेस्ट डील है अगर आप ख़रीदना चाहो 55,000 रुपीज़ के अराउंड में ये लैपटॉप। आगे बढ़ते गाइस HP की तरफ जाते हैं। HP में गाइस यहाँ पे अगर आप देखो अंडर 55,000 क्या चल रहा है तो यहाँ पे आपको i5 का 12th generation का U सीरीज़ का प्रोसेसर चल रहा है। तो यहाँ पे आपको यही देखने को मिलेगा, 15S वाले मॉडल है, 15.6 इंच का बेसिक डिस्प्ले मिलेगा फुल HD, 16 GB की रैम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये प्लस पॉइंट है अंडर 55,000 रुपीज़ के प्राइस में। बैकलिट कीबोर्ड भी है, डुअल स्पीकर्स वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। लिंक मैं आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। अब गाइस यहां पे 50,000 रुपये के बारे में बात कर रहे हो या फिर 55,000 रुपये के बारे में बात कर रहे हो तो MSI का लैपटॉप कैसे ना आएगा। MSI का मॉडर्न 14 आता है जहाँ पर वो i7 का 12th generation का U सीरीज़ का प्रोसेसर मिलता है। सो अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है, 50,000 रुपये तक ही आप आप खर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसको यहाँ पे लगा सकते हो जो कि 60Hz डिस्प्ले के साथ में भी आ जाता है, 16 GB की रैम में मिल जाती है और आपको i7 का एकदम हाई परफॉर्मिंग आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन गाइज, अगर आपको मैकबुक का कॉपी चाहिए, प्रोफेशनल लैपटॉप है, यूज़ कर रहे हो बिजनेस वर्क के लिए, काफ़ी छोटा कॉम्पैक्ट साइज़ के लिए चाहिए तो ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है। ऑनर का मैजिक बुक X14 2023 वाला वर्जन 16 GB की रैम के साथ में आ जाता है तो तुरंत एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। i5 का प्रोसेसर है H सीरीज़ का तो H सीरीज़ में परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच देखने को मिलेगा तो वहाँ पर भी टेंशन नहीं है। 14 इंच का कॉम्पैक्ट साइज़ का डिस्प्ले है, फुल HD IPS आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, बैकलिट कीबोर्ड वगैरह सब कुछ है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। 50,000 के आसपास ही मिल रहा है, आप खरीद सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन का लेनोवो का आइडियापैड स्लिम 3 आता है, सेम प्रोसेसर के साथ में 16 GB की रैम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है तो ये भी वन ऑफ द ग्रेट डील आप कह सकते हो, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। लिंक मैं आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और फटाफट से आगे की ऑप्शंस बता देता हूँ। यहाँ पे Asus का वीवोबुक 15 भी आ जाता है, सेम प्रोसेसर ऑफर कर रहा है, 16 GB की रैम भी देखने को मिल रही है तो मेरे ख्याल से ये सारा लैपटॉप जो कि मैं आपको बता रहा हूँ सब आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला है एंड यहाँ पे आप इनको कंसिडर आग बंद कर सकते हो। बस आपको डिसाइड करना है आपको कौन से कंपनी की तरफ जाना है।
नेक्स्ट ऑप्शन गाइज यहाँ पे चेरी ऑन द टॉप आप इसको कह सकते हो। इस अगर प्राइस पॉइंट में अगर आपको गेमिंग करना हो तो एसस का टफ गेमिंग F15 आता है। यहाँ पे इंटेल कोर i5 11 जनरेशन का H सीरीज का प्रोसेसर मिलता है। फुल HD 144 हर्ट्ज का यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 16 GB की रैम भी देखने को मिलेगी और आपको 4 GB का RTX 2050 का ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलेगा और RGB का यहाँ पे बैकलिट कीबोर्ड भी देखने को मिलेगा। तो इस लैपटॉप को कंसीडर करना है तो लिंक मैं आपको सभी लैपटॉप का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो बस गाइस यहाँ मैंने अपना काम कर दिया, सब लैपटॉप्स दिखा दिए। सच बताओ तो सारे लैपटॉप बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले अपने प्राइस के हिसाब से। बस आप कंपनी डिसाइड करो और ख़रीद लो आंख बंद करके, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।